Shall I start, sir? Yeah. नमामि धन्वंतराय नमः। इस लाइव सेशन में उपस्थित सभी लोगों का आयुर्वंगे आपका बहुत तहदिल से आयुर्वेद राम के साथ स्वागत करता है। वैद्य संजय भोई सर, जो कि प्रतिभा के धनी है सर, आपने नाड़ी चिकित्सा में आयुर्वेद प्रगति हेतु अनेक कर्म किए हैं और आप करते आ रहे हैं। दस आप अभी तक शल्य तंत्र में 10,000 इतना ज्यादा जरूरी नहीं है सर। ठीक है सर, ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है सर, आप सर हमारे प्रतिभा के धनी, आप प्रेरणा स्रोत रहे हैं हमारे, आपकी प्रेरणा हेतु ही हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं सर। तो आप सर अपना हमें प्रेरणा संहिता और सुश्रुत की प्रेरणा। जी सर, आपकी और संहिता और सुश्रुत की प्रेरणा के साथ सर हम यहाँ। सबसे पहले सभी से मैं चाहता हूँ कि सुबह जो करना चाहते थे हम 2 बजे लाइव सेशन, वो किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से हो नहीं पाया। हम सभी का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, नेटवर्क का भी थोड़ा इश्यू था और लिंक में भी थोड़े बहुत इश्यू आ गए थे। हम सब पहली बार ये सब कर रहे हैं, इसी वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी। सबसे पहले जो सेशन शुरू करना है हमें, उनका सब्जेक्ट आप सभी को पता ही होगा, आयुर्वेद गंगे ने आपको बताया होगा कि हम 4 चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं, तो वहीं से शुरू करेंगे। और कुछ है, कुछ क्वेश्चन वगैरह कुछ आशुतोष? संहिता को लेकर क्वेश्चन है सर, जो हमारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ा जाए और किस मतलब वे का मतलब सर कि कैसे उसको अपने अंदर समाया जाए, चीज को कैसे अपना बनाकर चीज को अध्ययन किया जाए इसका सर। पहले ये सब जो जुड़े हुए लोग हैं वो सब जानते हैं, पहला इंस्टाग्राम लाइव भी उन्होंने देखा हुआ है, तो मैं हर बार यही बोलता हूँ कि संहिता को अपना बनाने के लिए या किसी को भी अपना बनाने के लिए प्यार सबसे ज्यादा जरूरी है। तो संहिता को प्यार करना चाहिए, वो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिक्वायर्ड फर्स्ट इंग्रेडिएंट है, लव, प्यार। उसी से आप संहिता को आत्मसात कर सकते हो। किसी को आत्मसात करना हो तो वो दिमाग में नहीं, वो दिल में रहना चाहिए। इसीलिए चरक खुद बताते हैं अपने आखिरी अध्याय में, हृदय तिष्ठति संहिता। तो संहिता को हमेशा हृदय में रखना चाहिए, दिल में रखना चाहिए। गुरुजी भी बताते हैं कि हम आपके दिल में रहते हैं, तो संहिता को प्यार ही करना चाहिए। उसी के बिहाफ में 4 चीजें सर जो बताते हैं वही हम आज जानने वाले हैं। तो वो 4 चीजें है, मंत्र, पारायण, प्रार्थना और सद्गुरु सानिध्य। ये 4 चीजें हर एक आयुर्वेद के ज्ञाता को अच्छा आयुर्वेद बनने के लिए, संहिता से जुड़ने के लिए, संहिता को प्यार करने के लिए ये रिक्वायर्ड है। अगर अच्छे से आपको संहिता पढ़नी हो, अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करनी हो, कई बार कुछ लोगों का सवाल आता है, आपने भी जैसे मुझे सब सवाल पूछे थे पहले भी, तो वो रहते हैं कि अभी हम षोडश कलायुक्त भेषज की बात करें या फिर अभी जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है कोरोना की उसके बारे में, उसके रिलेटेड बात करें, तो सभी में ये होता है कि षोडश कलायुक्त भेषज, भिषग, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी, ये पाद चतुष्टय में सबसे ज्यादा भिषग उत्तम है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है। और तीनों बाकी की जो चीजें हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है। हमें द्रव्य अभी अच्छे से नहीं मिल रहे, हमें परिचारक भी अच्छे से नहीं मिल रहे, 2 कारण है इसके, परिचारक ट्रेंड भी नहीं है और दूसरा हम उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि हम पहले से ही समझते हैं कि आयुर्वेद सस्ता है। हम चार्ज नहीं कर रहे किसी को इतना अच्छा कि हम किसी और को सैलरी भी अच्छे से दे सके, तो ये दिक्कत आती है। फिर रोगी तो कैसे आते हैं वो आप सबको पता है, सब फाइल लेके आते हैं, सब सर्च करके आते हैं, तो जितना आप पढ़ के आते हो उससे ज्यादा तो रोगी पढ़ के आता है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है, उसके अलावा भी ड्रग में आप देखो, द्रव्य में देखो, तो द्रव्य के साइड इफेक्ट्स या फिर कॉन्ट्रोवर्शियल ड्रग या फिर ड्रग की प्योरिटी, इन सभी चीजों की प्रॉब्लम आती है। अष्टवर्ग मिलते नहीं है, फिर भी सब लोग बताते हैं कि अष्टवर्ग युक्त च्यवनप्राश है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। दशमूल भी हमें मिलता नहीं है, तो फिर दशमूल के बिहाफ में हम काम कैसे करेंगे? तो ये सब चीजें जो, ये सब प्रॉब्लम है, उन सब को हमें, उन सब में से बचाने के लिए ये 4 चीजें सदगुरु के माध्यम से हमें जानने को मिली और पूरी 100% कारगर भी हुई है। अब तक मैंने जितनी प्रैक्टिस की है वो उसमें सबसे कारगर ये 4 चीजें ही हुई है।
मंत्र, प्रार्थना, पारायण और सद्गुरु सानिध्य। सबसे पहला जो है वो मंत्र है, तो मंत्र सद्गुरु के बिहाफ पे, सद्गुरु से हमें जो भी मंत्र मिलता है वो मंत्र 24/7 कंटिन्यू हमारे मन में चलना चाहिए, बैकग्राउंड में चलना चाहिए। जैसे ही कोई एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चलती है वैसे ही मंत्र कंटिन्यू चलना चाहिए। मंत्र ऐसे ऐसा छोटा होना चाहिए कि आप कंटिन्यू उसे बोल सको अंदर। मतलब वो प्रोसेस क्या है कि इन्हेलेशन के साथ दो बार और एक्सहेलेशन के साथ दो बार, ऐसे मंत्र की प्रोसेस कंटिन्यू चलनी चाहिए। मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मंत्र बैकग्राउंड में शुरू रहना चाहिए। आप अभी सुन रहे हो, अगर आप मंत्र कर रहे हो तो मंत्र बैकग्राउंड में चलना चाहिए। मतलब आप कुछ भी एक्टिविटी करो मंत्र कंटिन्यू रहना चाहिए। वो आपका एक चार्जिंग पोर्ट है, वो आपको हर रोज दिन ब दिन किए जाने वाली सभी क्रियाओं में आपको चार्ज करेगा एज अ वैद्य। फिर दूसरा आता है पारायण, तो संहिता जो कि टीका वाली, ये विद्योतिनी टीका वगैरह हिंदी ट्रांसलेशन वाली नहीं, जो संस्कृत में आती है। सर ने भी अभी दो दिन पहले जो एक सेशन किया था उसमें चरक संहिता बताई थी, मेरे पास ये मेरी संस्कृत संहिता है। ये एक संहिता आपको यही सटीक जो आती है वही लेनी है और उसमें से पारायण करना है आपको। तो पारायण कैसे किया जाए, पारायण के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो पारायण इज अ काइंड ऑफ डाउनलोडिंग प्रोसेस। आपको पता नहीं रहता है पर वो जो भी फाइल है वो आपके हृदय में डाउनलोड होगी। तो पारायण करोगे जब जब भी आप, तो कुछ समझे सोचे बिना उसे पहले से अथा से इति तक पढ़ना है, सिर्फ पारायण करना है। तो इससे क्या होगा, वो जो संहिता है वो आपके अंदर डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद हम क्या करते हैं, वो फाइल कहीं पे भी रहती है, जब कभी भी आपको उसकी ज़रूरत हो या उसमें से किसी एक कंटेंट की ज़रूरत हो, जब जस्ट आपने डबल क्लिक किया और वो फाइल खुल जाती है। कंप्यूटर में वो रहती है पर जिस किसी चीज़ की आपको ज़रूरत हो तभी वो चीज़ बाहर आती है या तभी वो चीज़ आप पढ़ पाते हो या उसी चीज़ के साथ आप काम कर पाते हो। तो ये पारायण भी ऐसे ही काम करता है कि एक बार डाउनलोड हो गया उसके बाद जिस किसी, अब मतलब आपको गुलमुखी चिकित्सा करनी है तो गुलमुख के ऊपर डबल क्लिक किया, जो भी चीज़ आपने पढ़ी नहीं है आपको याद नहीं है वो सब आता है। और ये सब मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, ये होता है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। कई चीज़ें मैंने पढ़ी नहीं होती है, एक्सपीरियंस में प्रैक्टिस में मैं अप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद वो देखने में आता है कि संहिता में घर पे जाके फिर से पढ़ाई करते हैं तो लगता है कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो कैसे ये चिकित्सा सूत्र मैंने अप्लाई कर दिया। ये बेसिक फंडे हैं पारायण का, इतना फायदा हमें देखने को मिलता है। पूरे से पूरी संहिता आपको बाय हार्ट हो जाती है, सच में, सच में। मतलब बाय हार्ट का मतलब, अब तक हम क्या करते थे, बाय हार्ट है मतलब दिमाग में है, श्लोक बाय हार्ट करने हैं वो दिल से नहीं होते वो दिमाग से होते हैं। बाय हार्ट का मतलब है हृदय में रहना, तो वो जब डबल क्लिक होती है तो वो आपके काम में आ जाती है। फिर जो दूसरा तीसरा नंबर जिसका आता है वो प्रार्थना प्रार्थना का आता है। मंत्र पारायण हो गया, प्रार्थना, तो प्रार्थना क्या है, प्रार्थना मतलब दिन में 5 बार जैसे हम पूजा करते हैं वैसे ही प्रार्थना करनी। और प्रार्थना क्या है, जो दिन में आपको एक ग्रेटिट्यूड चरक सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के प्रति लाना है वो दिन में 5 बार करना है। प्रार्थना कैसे करेंगे, जो भी आपका गुरु मंत्र है वो 5 बार, फिर ओम ब्रह्म दक्षाश्वी रुद्रेंद्रम जो चरक कल्प में दिया हुआ है, वमन कल्प देने से पहले बोलने वाला जो 2 श्लोक है वो 2 श्लोक, और उसके बबाद आपका वही वाला मंत्र फिर से 5 बार। तो ऐसे करके मंत्र और श्लोक का पुटपाक जो बनाते हैं उसे हम प्रार्थना बोलते हैं, तो वो दिन में 5 बार करना है। ये भी एक सक्सेस मंत्र है। और लास्ट में आखिर में जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सदगुरु सानिध्य। जो भी आपके गुरु है उनका, उनके सानिध्य में रहना, जो भी आपको दिक्कत हो, जो आपको प्रॉब्लम हो, उनके सानिध्य में रह के आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। सदगुरु रहते हैं तो आपके अंदर अहम नहीं आएगा कभी भी। तो ये चीजें सब जो है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप आयुर्वेद को पढ़ते हो, संहिता को ठीक से पढ़ते हो। तो ये चीजें रखने से ये आपको एंटीवायरस प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टिव शील्ड, जैसे एडवर्स इफेक्ट किसी को आने वाली है और आपने ये सब कर लिया, और ये मेरे शब्द नहीं है, मैं ये बोलने वाला हूँ ही नहीं, इनके ये बोलने के काबिल भी नहीं हूँ, ये सब सद्गुरु के शब्द है, ये वो आप्त वैद्य के शब्द है, ये संहिता के शब्द है।
इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि ये सब इफेक्टिव है कि नहीं है, ये 100% इफेक्टिव है। किसी को कुछ प्रॉब्लम आने वाली हो तो ये चार चीजें आप अगर करते हो तो उन सब में से बच जाओगे। कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई चीज आपको हैम्पर कर रही है, ट्रीटमेंट से पहले भी ट्रीटमेंट के बाद भी आपको याद नहीं आ रहा, कुछ भी दिक्कत हो, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, ये गारंटी मेरी रहेगी, मेरे सदगुरु की रहेगी, मेरी संहिताओं की रहेगी कि ये चार चीजें अगर आपने कर ली तो संहिता आपके साथ रह के आपका ये सब काम करने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा एक और सादी भाषा में आपको समझाना चाहूं तो अभी आपने महाभारत देखा होगा, महाभारत के युद्ध में जैसे अर्जुन को आप देखते हो, वो अजेय है, तो रथ और अर्जुन के हिसाब से अब अगर आप इस चार चीजों को देखना चाहें तो वैद्य यश ठाकर इन चार चीजों को ऐसे बताते हैं कि जो रथ है वो पारायण है, अर्जुन है वो आप खुद हो, सारथी जो है वो आपके सदगुरु है, मंत्र जो है वो अर्जुन के रथ के ऊपर लगी हुई ध्वजा है। तो ये चार चीजें जैसे आपको अजय बनाती है अर्जुन को, गांडीव, अर्जुन का जो गांडी है वो मंत्र पारायण प्रार्थना है, ये चार चीजें मिलकर जैसे अर्जुन को अजय बनाया था वैसे ही अगर वैद्य को अजय बनना है तो ये चार चीजें आपको ऐसे ही अर्जुन के जैसे अजय बना सकती है। तो इन चार चीजों के ऊपर भी फोकस करना है 5 साल में संहिता CCIM के अकॉर्डिंग पढ़ने के अलावा भी, अगर क्योंकि CCIM के अकॉर्डिंग आप संहिता पढ़ के हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ के एग्जाम में तो पास हो जाओगे, पर 3 इडियट का जो डायलॉग है ना वैसे ही 5.5 सालों के बाद गेट के बाहर आपके साथ क्या होने वाला है वो आपको पता ही है, ये सब प्रॉब्लम होती है और गेट के बाहर क्या करना है वो कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट, कोई CCIM आपको नहीं बताएगा, वो सिर्फ और सिर्फ सुश्रुत और चरक आपको बताते हैं क्योंकि उनको आपकी चिंता रहती है। ये चार चीजें फिर से एक बार रिपीट कीजिए सर जी, प्रार्थना, पारायण, मंत्र और सद्गुरु सानिध्य, ये चार चीजें हैं और यही आपको सीखनी है, करनी है। सर एक क्वेरी थी, जैसे कि जो हमें मंत्र बताया गया है सर, हम मंत्र का उच्चारण सर कब, मतलब जैसे 5 टाइम हमें करना है सर, जो हमें प्रार्थना करनी है 5 बार करनी है सर, तो वो हम कब करें सर, दिन में 5 बार या एक साथ 5 बार? दिन में कोई भी टाइम पकड़ लो आप, उसको रेगुलर करो बस, मतलब सुबह से लेके शाम तक आपका जो भी कन्वीनियंट टाइम हो, प्रार्थना मतलब प्रार्थना आपको करनी है, मंत्र तो 24/7 शुरू ही रखने हैं। ठीक है सर। कोई भी टाइम अपना कन्वीनियंट टाइम, ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है कि सुबह में करना है, नहा धोने के बाद करना है, पारायण के लिए भी ऐसे कोई प्रावधान या फिर ऐसे कोई गाइडलाइन नहीं है कि नहाने के बाद ही करना है, पूजा घर में जाके करना है, संहिता को अच्छे से बिठा के उसका पूजन करके करो, आप कहीं पे भी किसी भी टाइम कभी भी पारायण शुरू कर सकते हो, और ऐसा भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पारायण शुरू करने के बाद उसे खत्म एक ही दिन में करना है, आपको जब जब भी टाइम मिले आप एक पत्ता भी पढ़िए पर संहिता को अपने साथ रखिए, खुद ब खुद वो पारायण आपको अब करना नहीं पड़ेगा, वो हो जाएगा। ठीक है सर, मंत्र बता दीजिए, मंत्र मैं नहीं बता सकता, मंत्र गुरु बताते हैं, मंत्र सदगुरु देते हैं, वो गुरु मंत्र है जो कान में दिया जाता है, तो आप अच्छे से शिष्य बने रहिए, जैसे ही आपको कोई अच्छे से गुरु आसपास मिल जाएंगे, हमारे सदगुरु ये बताते हैं कि अगर गुरु नहीं मिलते हैं तो आपको चिंता नहीं करनी है, जो भी आपको जैसे भी ठीक लगे वैसे मंत्र अभी शुरू कर दीजिए, जैसे ही आप अपना अपने आप एक्टिवेट हो जाओगे, आप शिष्य कहलाने के लायक मतलब सुपात्र हो जाओगे शिष्य बनने के, आपका पॉपअप शुरू हो जाएगा। सर बताते हैं कि ऐसे कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं एनर्जी को लेके, तो आपके आसपास में जो भी सदगुरु रहेंगे वो आपको पहचान के वहां पे आके आपको गुरु मंत्र दे देंगे, तो गुरु की वेट मत कीजिए, गुरु खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे, सबको गुरु की वेट ऐसे नहीं करनी है कि गुरु हमें नहीं मिल रहे हैं तो हम क्या करेंगे क्या करेंगे, आप अपने आप शिष्य बन जाइए, प्रार्थना और मंत्र करते रहिए, चरक खुद ब खुद आके आपको मंत्र दे जाएंगे।
छोटा सा कोई भी मंत्र, आप जिस किसी भी भगवान में, ईश्वर अल्लाह में, गॉड में, जिस किसी में भी मानते हो, सिर्फ वही एक मंत्र आप ले लीजिए और नए नहीं लेने हैं, जितना हो सके उतना वो सिद्ध मंत्र लेने हैं, जो जब जब सबसे ज्यादा सिद्ध पुराने रहते हैं, मतलब श्री राम जय राम, जय जय राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, ये पर ये बहुत लंबा है, दो लाइन का मंत्र है, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो छोटा सा कोई ऐसा मंत्र आपको लेना है, उसका पारा है, उसका कंटिन्यूअस मंत्र करते रहना है। और कुछ क्वेरी है? नहीं सर, अभी और कुछ नहीं है, आप बताइए सर। थोड़ा बहुत और क्या बताएंगे, कोरोना के बारे में बात करते हैं कि अरे यू प्रतीक सर, आपके गुरु कौन है? मेरा कॉपीराइट तो नहीं है उनके ऊपर, पर मैं समझता हूं कि मुझे मतलब उन पर मेरा हक अधिकार भी है। मेरे गुरु है वैद्य तपन कुमार, दो गुरु माँ भी है मेरी, वैद्य कृष्णा माकड़िया और वैद्य आरती राजपूत। हाँ, मैं आप सबके माध्यम से आज मेरी गुरु माँ वैद्य आरती राजपूत की बर्थडे है, उनको भी आप सभी के माध्यम से हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूंगा। यस सर, हैप्पी बर्थडे टू गुरु। कोरोना की बात करेंगे पर एक और सेशन रख लेते हैं, ठीक है सर? इस चार चीजों के बारे में अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं अपनी कन्वीनियंसी के ऊपर आपको 100% ट्राई करूंगा कि आपको सेटिस्फाइड कर सकूं, ठीक है? सर एक छोटा सा क्वेश्चन आया था सर थोड़े दिन पहले, एक मैम थी तो वो पूछ रही थी कि सर्जरी में स्कोप क्या है सर, हम सर्जरी जैसे हम करते हैं सर अपना। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि किसी और के ऊपर या कोई और जो करता है वैसी सर्जरी, या फिर कोई नहीं करता है वैसी सर्जरी करना हम क्यों सोच रहे हैं? जिस चीज में या जिस फील्ड में सुश्रुत माहिर है, अगर उसी को बेस बना के चलना है तो फिर सुश्रुत में जो बताया है वही करना है। सुश्रुत में बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज भी दी हुई है और उसके अलावा भी सिंपल सर्जरीज भी दी हुई है, पर वो उनकी इफेक्ट बहुत ही काबिले तारीफ है। मतलब जो मैं विद्य करता हूँ, रक्तमोक्षण करता हूँ, वो सब माइनर सर्जरी है पर उसका रिजल्ट मेजर सर्जरी से भी ज्यादा अच्छा आता है। तो उन सब चीजों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। विद्य कर्म इतना सिंपल है कि हमें लगता है कि ये इतना इफेक्टिव कैसे हो सकता है, पर अगर आप एक बार करना चाहो, करना शुरू करो, तब आपको समझ में आएगा कि पैर के एक अंगूठे में विद्य करने से, सिर्फ एक नीडल लगाने से ही पेट के सारे दर्द तुरंत गायब हो जाते हैं। मतलब ऐसे एक आंख ब्लिंक करी और तुरंत पेशेंट की आंखें भी चौड़ी हो जाएगी कि सर आपने ये क्या किया, तो मेरा अपेंडिसाइटिस का, मेरा रीनल कॉलिक, मेरा एब्डोमिनल पेन, मेरा पैनक्रियाटाइटिस का पेन, जो भी पेन है एब्डोमिनल, डिसमेनोरिया, सब पेन सिर्फ एक अंगूठे में विद्य करने से चले जाते हैं। तो ये सब जो है उन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम खुद ब खुद इतना कॉम्प्लिकेटेड बनते जा रहे हैं और खुद ऐसा सोचते हैं कि कोई और हमें सर्टिफाइड करेगा तभी हम अच्छे वैद्य हैं, अब तभी हम अच्छे आयुर्वेद के प्रेमी हैं। ऐसा नहीं है, सुश्रुत के बारे में सोचो, सुश्रुत को खुश करो, बाकी सब मेरी भाषा में अगर गुजराती में बोलूं तो तेल लेने गए। तो सर्जरी बहुत सारी अच्छी अच्छी है सुश्रुत में, आप अपची की सर्जरी कर सकते हो, वो बताई हुई है, उन सब में बहुत ज्यादा स्कोप है। तो सुश्रुत जैसे बताते हैं वैसे सर्जरी करना अगर चाहो तो सुश्रुत आपको खुद ब खुद मदद करेंगे। अगर आप ऐसे सोचो कि सुश्रुत की सर्जरी को आप मॉडिफाई कर दो और मॉडर्न तरीके से मॉडर्न के लोगों को खुश करना चाहो, उनको कम्पीट करना चाहो, या फिर उनको ये बताना चाहो कि हमारा आयुर्वेद कितना महान है, आप लोग कितने हमसे पीछे है, ये सब बताना चाहो, तो सुश्रुत आपको कभी मदद नहीं करेगी क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है। अगर उन्होंने किसी को डिफीट करने के बारे में सोचा होता तो इतनी बड़ी संहिता वो लिखते ही नहीं। उन्होंने 5,500 साल पहले संहिता लिख दी हमारे लिए, तो ऐसा कुछ करने की उनको जरूरत ही नहीं रहती।
अपना टॉपिक नाड़ी परीक्षण शुरू कराओ, सोचेंगे इसके बारे में। सर एक क्वेरी और थी, जैसे कि हम अपना चार हमारी चीजें हैं मंत्र, सद्गुरु सानिध्य, प्रार्थना एंड प्रायण, तो जो मंत्र है सर उसकी इम्पोर्टेंस पूछी जा रही है कि उस इम्पोर्टेंस मंत्र की हमारी औषध में है क्या सर? मंत्र मैंने बताया, वैसे मंत्र गांडीव है, उसके बगैर अर्जुन कुछ नहीं है। तो मंत्र जो है वो जैसे गांडीव है वैसे ही वैद्य के लिए इम्पोर्टेंट है। मंत्र एक और चीज है, मंत्र एक लॉगिन पासवर्ड जैसा है कि आप जब भी कुछ भी करना चाहो, किसी फाइल को आपने डाउनलोड कर लिया पर वो अगर खुलेगी नहीं तो आप क्या करोगे? तो जैसे मैंने बोला डबल क्लिक करने के ऊपर, उससे पहले भी मंत्र अगर आपने किए हुए 5 बार अगर आप प्रार्थना करते हो तो उसमें मंत्र एक बार तो आ ही जाता है। तो वो वैसे प्रार्थना जैसे होती है, फिर मंत्र जैसे होते हैं, वो एक लॉगिन पासवर्ड है। अब जहां कहीं पे भी बैठे और मंत्र करना शुरू किया, आप संहिता में लॉगिन हो गए, उसके बाद आप संहिता का कोई भी कोना, कोई भी पत्ता, कोई भी श्लोक बाय हार्ट बोल सकते हो। तो मंत्र का ये इंपॉर्टेंस है, वो लॉगिन पासवर्ड है, पासवर्ड के बिना तो कुछ भी नहीं चलता, वो आप सबको पता है। तो संहिता में लॉगिन होने के लिए सर एक छोटा सा निवेदन है आपसे, जो हमें एग्जांपल आपने दिया था वास्तु दोष वाला मंत्र हेतु, वास्तु दोष का जो आप एग्जांपल बताया था सर आपने, सर वो एक बार बता दीजिए सर। इन लोगों को जो बताया हुआ था उसमें बताया होता कि जैसे हम नया घर खरीदते हैं या नया घर बनाते हैं तो उसकी सबसे पहले वहां रहने जाने से पहले हम वास्तु दोष की पूजा करते हैं। अब वास्तु दोष में करते क्या है, वो पूजा क्यों की जाती है? तो जिस घर में, ऑफकोर्स हम वास्तु के मुताबिक, वास्तु के हिसाब से ही वो घर बनाते हैं, पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कई बार रह जाती है, जमीन का दोष होता है या कुछ भी, तो उस दोष के निवारण हेतु हम वास्तु पूजा करते हैं घर में, उसके बाद उस घर में रहने जाते हैं। तो मंत्र और पारायण, सद्गुरु सानिध्य और प्रार्थना, ये चारों चीजें हमें किसी ना किसी दोष जो हमने भूतकाल में किए हैं, वर्तमान में कर रहे हैं और भविष्य में करने वाले हैं, उन सभी दोषों से मुक्त करती है, उन सभी के कॉम्प्लिकेशन से बचाते हैं, कॉन्ट्रोवर्सी से हमें बचाते हैं, फिर जो भी एडवर्स इफेक्ट पेशेंट को आने वाली है, कुछ इफेक्ट नहीं आने वाली है, उन सभी से हमें बचाते हैं। मंत्र का ये काम है। नाड़ी परीक्षा में सर काफी आ रहा है क्वेश्चन, वो एक दिन कर लेंगे हम नाड़ी परीक्षा के बारे में भी, वो बहुत बड़ा टॉपिक है और नाड़ी परीक्षा ऐसे लाइव सेशन में नहीं सिखा सकते। मैं कुछ कुछ चीजें बता सकता हूँ पर वो सीखी नहीं जाती, और नाड़ी परीक्षा जैसे हमें सिखाई गई है वैसे ही मैं चाहूंगा कि जो लोग सीखना चाहते हैं उनको भी सिखाई जाए, तो ऐसे लाइव सेशन में नहीं, वो दो लोगों का कनेक्शन है। जब तक दिल से कनेक्शन नहीं बनेगा नाड़ी परीक्षा आप में डाउनलोड नहीं हो सकती, वो सद्गुरु के माध्यम से ही आप अच्छे से सीख पाते हो। नाड़ी परीक्षा वाइब्रेशन के थ्रू काम करती है, तीनों उंगलियों के ऊपर आपको काम करना है, इसी वजह से नाड़ी परीक्षा आप सीख सकते हो। ऐसे लेक्चर में या बुक पढ़ने से नाड़ी परीक्षा नहीं आती है, मतलब मैंने हाउ टू स्विम ये बुक पढ़ ली और जाके किसी गहरे तालाब में कुदका लगा दिया तो क्या मैं तैरना सीख जाऊंगा क्या? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो नाड़ी परीक्षा सीखने से, मतलब बोलने से, सुनने से नहीं आती है, वो प्रैक्टिस से ही आती है। सर एक क्वेश्चन हमारे, ट्राई करेंगे कि नाड़ी परीक्षा के बारे में अच्छे से कुछ बताए तो वो प्रैक्टिस से आप कुछ कुछ चीजें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है सर, सेशन करेंगे सर जरूर अपन, काफी क्वेरी आ रही है सर, काफी लोग कर रहे हैं क्वेश्चन की सर बेसिक बता दीजिए, पर आपने बताया कि ऐसा नहीं होगा, वो चीज ऐसे नहीं आता, प्रैक्टिकल है। नहीं श्योर, हम ये चीज भी एक दो हफ्ते के अंदर लेते हैं नाड़ी परीक्षा के बारे में। सर एक हमारे सीनियर है राम बाबू सर, उनका एक छोटा सा क्वेश्चन है, विध कर्म के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सर। विध कर्म के बारे में क्या बताऊं, वो भी बहुत ही लंबा सेशन है, बहुत ही डीप है। ऑफकोर्स संहिता में उसके बारे में सिर्फ एक ही लाइन बताई गई है, पर अगर आप उसको सोचे, उसके बारे में सोचे तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है
और बहुत कुछ उसके साथ कर सकते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जहां जहां पे भी पेन है उस जगह पे वायु है, ये सब हम सब जानते हैं इसके बारे में, बराबर है। तो जहां के कहीं भी एंट्रिप्टेड मतलब आवरण युक्त वायु है, उस वायु को वहां से हटाने के लिए हम विद्ध करते हैं। उसका और भी बहुत सारे रीजन है, विद्ध कर्म संप्राप्ति विघटन में भी काम करता है। कई लोग को ऐसी मिसबिलीफ है कि विद्ध कर्म सिर्फ पेन मैनेजमेंट करता है, नहीं, विद्ध कर्म बहुत सारे रोगों में काम करता है, विद्ध कर्म संप्राप्ति विघटन भी करता है, बहुत अच्छे से संप्राप्ति विघटन करता है। तो वायु के बारे में सोच के हम कर सकते हैं। तो मतलब जैसे एक बलून फूला हुआ है, उसको आप पिन लगाते हो और वहां से वायु निकल जाता है, वो बलून जो है वो फूटेगा, तो जो वायु जैसे निकल जाता है वैसे ही बॉडी में कहीं पे भी एंट्रिप्टेड वायु आवरण युक्त वायु है, विद्ध करने से वो वायु वहां से रिलीज हो जाता है और पेन मैनेजमेंट हो जाता है, पेन कम हो जाता है। तो विद्ध ऐसे काम करता है। उसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट है, मैं आयुर्वेद के बारे में ही बात करता हूँ, आयुर्वेद तरीके से ही आप सबको समझाता हूँ। ट्राई करूंगा कि विद्ध को भी ऐसे ही जस्टिफाई कर सकूं। मुझे मॉडर्न का कोई पैथोजिनेसिस आता नहीं है, संप्राप्ति मतलब पैथोफिजियोलॉजी भी समझ में नहीं आती है, तो उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे। विद्ध को मैं आयुर्वेदिक और सुश्रुत के मुताबिक ही समझाऊंगा आपको जब कभी भी हमारी बात होगी, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही काफी है, जल्दी से मिलते हैं, ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर, आपने आज हमारा मार्गदर्शन किया सर, आगे भी हमें आपका जो मार्गदर्शन है सर वो मिलता रहे, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी सर इस चीज को लेकर। थैंक यू सो मच सर।